हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही पौष्टिक नाश्ता जो कि बनने वाला है सूजी और पोहे से। तो चलिए देखते हैं रेसिपी आज की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक कटोरी सूजी। आपके पास जो भी सूजी हो, मोटी चाहे पतली, कोई भी चलेगी। और इसके अलावा हमें लेना है एक कटोरी पोहा। अब सबसे पहले हम पोहे को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोहे को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नॉर्मल आप करिए इसे। और अब इसी में हम सूजी ऐड कर रहे हैं और इसको भी एक बार हम ग्राइंडर में चला लेंगे, जिससे कि अगर मोटी सूजी भी होगी तो वो भी थोड़ी बारीक हो जाएगी। अब ये हमारी पिस चुकी हैं दोनों चीज़ें, इसको एक बर्तन में ले लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे करके पानी डाल रही हूँ और आप भी इस तरह से ही धीरे धीरे करके ही पानी डालिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। और इसको हम अच्छे से मिलाते रहेंगे और जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना ही इसमें डालेंगे। अभी लगभग इसमें एक कटोरी पानी मैंने डाल दिया है। जिस कटोरी से मैंने मेज़र किया था सूजी और पोहा, ये वही कटोरी है। अभी तक एक कटोरी पानी इसमें जा चुका है। अब इसको हम अच्छे से पहले चला लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे। और इसमें अब ऐड कर देंगे हम दही। यहाँ पे मैं 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें। दही मेरी घर की जमाई हुई थी, अगर आपके पास खट्टी दही भी है थोड़ी बहुत तो वो भी चलेगी। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं और अभी इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। तो इसे भी हम बहुत अच्छे से मिलाना है आपको ताकि एक भी लम्स इसमें ना रह जाए। और अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ लगभग हमारा 2 कटोरी पानी लग चुका है। तो आप देख सकते हैं काफी ये अच्छा इसका बन चुका है लिक्विड फॉर्म। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है नमक। नमक हमें ज्यादा नहीं रखना है, इस नमक को भी हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रेस्ट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 बॉइल्ड आलू और इनको हम छील लेंगे और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से मसल भी सकते हैं। मैं यहाँ पे बारीक बारीक काट रही हूँ। आप चाहें तो किसी कटोरी की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारे आलू कट कर लिए हैं। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर 2 प्याज, इसको भी हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। यहाँ पे मेरे प्याज भी कट चुके हैं। अब हम ले रहे हैं एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे सरसों या राई और थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग। यहाँ पे मेरा हो चुका है सरसों, तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। अब इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले अच्छे से पकने दें, तभी आप इसमें राई या सरसों डालें। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा करी पत्ता। करी पत्ते से जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धनिया डाल सकते हैं। और इसको भी हम थोड़ी देर चला लेंगे। और इसमें मैंने आलू डाल रहे हैं। आलू को भी अच्छे तरीके से इसमें हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे मसाले। पहले से थोड़ा सा अच्छे से मैं कड़छी से और दबा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बारीक नहीं काटे थे।
इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो इसे हाथ से मैश कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। थोड़ा सा डाल दिया है हल्दी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन उसका कलर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल जो मिर्च आप यूज करते हैं वो डालिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा दबा दबा के ही इन आलुओं को मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़े से और पिस जाएं अच्छे से। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। आप मैगी मसाला यूज़ ना करना चाहें तो आप सब्जी मसाला भी कोई भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको हम अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे, अच्छे से ये मसाला मिला लेंगे। और अब लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आप चाहें तो आमचूर पाउडर डालिए या चाट मसाला डालिए, ये आपकी मर्जी है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कहीं पे भी ऐसा ना रह जाए कि कहीं खटाई ज़्यादा हो जाए कहीं कम। तो इसको आप अच्छे से मिला लें, अच्छे से चला लें। और यहाँ पे हमारी सब बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे हम एक प्लेट तैयार कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे। मेरे पास ज़्यादा गहरी प्लेट नहीं थी, या मेरी जो थाली थी वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की थी, इसलिए मेरे को यही प्लेट मिली है। आप लोगों से कहूँगी अगर आपके पास थोड़ी सी गहरी थाली हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा, पर मेरे पास अभी नहीं है और थाली का साइज़ मेरा बड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये जो पेस्ट है थोड़ा सा भी गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें मैंने करीब आधा कटोरी पानी और ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इनो, और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, मैं इसको हल्के हाथों से चला लेंगे। और ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने प्लेट यहाँ पे ग्रीस करी थी इसमें हमको इसको डालना है, लेकिन अब हम इसका आधा पेस्ट ही डालेंगे, आधा भी हमें बचा के रखना है। इस तरह से पूरे पेस्ट को जो है इसमें अच्छे से प्लेट में फैला लेंगे, कोने कोने तक इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। एक अच्छी सी आप लेयर बना लीजिए इसकी। तो देखिए हमारी अच्छी सी जो है लेयर बन चुकी है। आधा जो पेस्ट है वो हमने अभी बचा लिया है, आगे बताएंगे कि उस पेस्ट का भी हमें क्या करना है। और अब मैंने यहाँ पर ले ली कढ़ाई, उसमें डाल दिया है पानी, और नीचे से हमने गैस फ्लेम ऑन कर दी है। और इसके ऊपर मैं रखूँगी ये प्लेट जिससे कि स्टीम हो सके। और इसको ऊपर से हम ढक देंगे ताकि जो इस पे भाप बने अच्छे से। 5-7 मिनट हो चुके हैं लगभग, तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ। तो ये लेयर हमारी हो चुकी है, और इसके ऊपर जो हमने ये आलू की सब्जी बनाई थी, मसाला तैयार किया था, उसको हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे तो इसे बारीकी से या अपने हाथ से मैश कर लें, जिससे कि ज़्यादा मोटे मोटे आलू ना रहें। इसमें आप चाहें तो अपने पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है। तो ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या क्या सब्जियां ऐड करना चाहते हैं। जो भी आपके घर पर सबको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल एक अच्छी सी लेयर चढ़ा लेंगे, और बिल्कुल कोने कोने तक नहीं ले जाएंगे,
तरीके से देखिए मैंने पूरा फैला लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा चटनी और लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा चटपटा स्वाद आ जाए। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, मेरे घर में बच्चे हैं खाने वाले तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, मगर अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं और मिर्च आपको पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा। अब इसमें जो हमने लेयर करा रहे हैं, जो हमने पेस्ट बचाया था आधा, वो इसके ऊपर हमें कवर कर देना है पूरा। इसको अच्छे से हम कोने कोने तक ढक देंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास थोड़ी सी गहरी थाली हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी इस टाइप की प्लेट या थाली जो थोड़ी गहरी हो, तो मैंने आपको इसमें बना के दिखा दिया है। क्योंकि जब आप उसमें बनाएंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छी लेयर भी बन पाएगी और बाहर निकलने का डर भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी लेयर बना दी है। अब इसको हम फिर से ढक देंगे लगभग 15-20 मिनट के लिए। और लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो नीचे में पानी रखा है वो ख़त्म ना हो, तो इसको चेक करते रहिएगा बीच बीच में। अभी देखिए मैं आपको चेक करके दिखा दूँगी कि ये अच्छे से ऊपर से हो चुका है। अब फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसको कोने कोने से करछी की सहायता से इस तरीके से आप थोड़ा सा कोने कोने निकाल लीजिए इसका, ताकि जब आप इसे कट करें तो ये इजीली निकल सके। अब इसको हम कट कर लेते हैं, पिज्जा की तरह से कट कर लेते हैं। आप चाहें तो छोटे बड़े पीस अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। ये नाश्ता जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो इसे आप बनाइए, खिलाइए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। और मुझे उम्मीद है ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आपको कैसा लगा ये नाश्ता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसको एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अभी हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। आप इसे चाहे तो चटनी सॉस किसी के साथ भी खाना चाहते हैं खाइए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, टिल बाय बाय।